उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि अखिलेश यादव पर किस तरीके से निशाना साधा गया। दरअसल अखिलेश यादव की वजह से हारी कांग्रेस सपा प्रमुख पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साधा निशाना। तो अखिलेश यादव के इसमें क्या कुछ लेना देना है, शायद जिस तरीके से बयान सामने आया उसको लेकर अब यही तलखी बढ़ती जा रही है। अब वहीं देखा जाए कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस का शायद अखिलेश यादव ने सही सपोर्ट किया या नहीं किया, क्योंकि इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन के ये टीम है कांग्रेस, और जिसकी वजह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की किस तरीके से हार हुई। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव लगातार वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो जहां मजबूत हो वहां काम करना चाहिए। अब इससे पहले भी आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस को अपना बड़ा दिल रखने की ज़रूरत है, यानी कांग्रेस अगर अपना बड़ा दिल रखती है या नहीं रखती ये बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में लगातार अभी वक्त है, उससे पहले ही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत अभी मनमुटाव है। अभी आपने देखा कि 6 दिसंबर को ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, लेकिन अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी और जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाए, अब इसको 17 तारीख को रखा गया। यानी अगर देखा जाए क्या समाजवादी पार्टी अनमन से सपोर्ट कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी सबको इसलिए नहीं सपोर्ट कर, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अखिलेश यादव का जनाधार बहुत ज़्यादा है और कहते हैं कि केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वही कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस लगातार अपनी जमीन तलाश रही है कि उसको कैसे एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में कमबैक करना है।